Subscribe and click on the bell icon to be the first to see the latest video. Teen Panjiyan, your turn. Teen Panjiyan. Why do I think that you're bluffing? Oh, pressure cooker ki CT. I think tumhe bula rahi hai. Okay, main gas off karke aati hu, but no cheating, huh? I trust you. Chalo, your turn. I think I'm gonna call your bluff. Teen Panjiyan, huh? There you go. Uthao, uthao. Oh no, yeah. This is not fair. Agli baar na, hum log bluff at least 3 logo mein khelenge. Hey Donna, how are you? How's the lockdown treating you? It's crazy, right? How are the kids? Donna? Donna, here. Can you hear me? Here, Rohini, this side, on your right. Donna? Hi. You know, I understand that you're upset, but लॉकडाउन है और हम सब कितना कितना बोर हो रहे हैं लॉकडाउन में, कितने अकेले पड़ गए हैं, राइट? लेट्स जस्ट टॉक टू ईच अदर. या नहीं यार, वो थोड़ी अकेली है, वो तो फैमिली के साथ है, हस्बैंड है, बच्चे हैं. नहीं मानेगी. लिसन डोना, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, ओके? और ताली है ना, वो एक हाथ से नहीं बचती, दो हाथ से बचती है. और चिंगारी के बिना धुआं नहीं उठता, गॉट इट? सो स्टॉप प्रिटेंडिंग कि गलती मेरी थी, तुम्हारी भी गलती थी, समझी ना? सो लेट्स फॉरगेट अबाउट इट and talk to each other, okay? ऐसे तो और गुस्सा हो जाएगी. What should I say? इन लॉकडाउन के टाइम ना मेरी बहुत बुरी हालत हो गई है ऋषि. एक महीने से दुबई में फंसा हुई. प्लीज टॉक टू मी, प्लीज टॉक टू मी. जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ प्लीज. ऐसे उस दिन हुआ क्या था? Hey Donna, hi, come na. Na, just a quick one. Listen, please baby ko bolo na ki mere ghar ke samne ekdam kachra chhod ke na jaye raat ko. Oh, wo tumhare ghar ke samne kachra chhod jati hai? Oh god, I'm going to tell her. Maine usko bola hai wo bahar ki side rakh ke jayega. Wahi rakhti hai, lekin bas subah rakh le. Oh, actually main hi usko bolti hu raat ko rakhne ke liye, because sari raat ghar mein rehta hai na kachra, to cockroaches ho jate hain. Exactly my point. Ab cockroaches mere ghar mein aane lage hain. तुम्हारे घर के अंदर कैसे आते हैं? वो तो बाहर रखती हूँ सीढ़ियों के पास. I don't know, आ रहे हैं लेकिन, and ऊपर से that bad smell. मैंने पहले भी सोचा था, बताओ, फिर मैंने सोचा I don't know what will feel. So एक बार बेबी को बोलो. That is the designated area for the कचरा. कोई प्रॉब्लम है तो सोसाइटी से बात कर लो, एंड इफ दे चेंज द प्लेस तो जहाँ बोलेंगे मैं रख दूंगी. I have no problem. इसके लिए मुझे सोसाइटी के पास जाना पड़ेगा? मुझे लगा your neighbors will find out some way. No, no, of course. नेबर्स तो एक दूसरे की हेल्प करते ही हैं, एंड जस्ट फॉर दैट रीजन मैंने कभी साइकिल्स के बारे में कुछ नहीं कहा. आई मीन यहीं पड़ी रहती हैं, कोई चलाता भी नहीं है, कब से पड़ी हैं. अरे रोहिणी, तुम्हें मेरे बच्चों की साइकिल से प्रॉब्लम है तो तुमने पहले क्यों नहीं कहा? बता रही हूँ ना कि प्रॉब्लम नहीं है, वरना मैं भी आती बेल बजा कर कुछ बोलती, बट इट्स ओके. वैसे तो मैं भी कभी नहीं आई बेल बजा के किसी चीज़ के बारे में बात करते हुए. लाइक योर प्लांट्स, सो मेनी प्लांट्स यू हैव हियर, कितने इंसेक्ट्स आते हैं, मच्छर आते हैं. पीएमसी का नोटिस देखा है ना लेट में, डेंगू हो रहा है सबको. बट यू हैव जस्ट, यू जस्ट इंक्रीजिंग इन नंबर्स. आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें ग्रीनरी से, लाइफ से, ऑक्सीजन से प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम तो एक्चुअली वो चप्पलों से होनी चाहिए, बिकॉज देखो कैसे मेरे घर के सामने तुम्हारी मिर्च चप्पल निकाल के चली जाती हैं. और मैं और ऋषि एवरी मॉर्निंग हम ऑफिस के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले किसके दर्शन होते हैं? चप्पलों के. अच्छा, तो तुम और ऋषि क्या अपने जूते आंखें बंद करके पहनते हो? नहीं, अपने जूते देखने और दुनिया भर के जूते देखने में डिफरेंस है ना. बट इट्स ओके, मैंने तो म्यूजिक के बारे में भी कभी कुछ नहीं कहा. सो नाउ यू हैव अ प्रॉब्लम विद माय म्यूजिक आल्सो? आई मीन आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, बट बहुत शोर होता है वीकेंड्स पे. हाँ, आई सी. तभी कॉप्स आए थे उस रात. वो कॉप्स आए थे? नो, एग्जैक्टली नो, किसने बुलाए थे? नहीं नहीं, मुझे तो पुलिस स्टेशन का नंबर भी नहीं पता. मेरी 4 साल की बेटी को भी पता है कि पुलिस का नंबर 100 है. हाँ, मतलब 100 मुझे पता है, बट लेट्स फेस इट, इतनी पार्टी कौन करता है यार? व्हाट कैन आई से, आई हैव फ्रेंड्स, अ सोशल लाइफ, आई फील सॉरी फॉर यू. वेल,
मैं देखती हूँ व्हाट कैन आई डू अबाउट द साइकिल्स एंड मेड से कह दूंगी कि चप्पल यहाँ ना रखें एंड यू प्लीज डोंट पुट द कचरा देयर. बेबी को कह दो कि कचरा कहीं और रख दे वरना मुझे भी सोसाइटी को अप्रोच करना पड़ेगा. ओके बाय. पॉइंट्स तो उसके सारे सही थे. नहीं मेरे पॉइंट्स भी करेक्ट थे. तो क्रेप बैंडेज. I think I have it. अगर तुम भी वही सोचती हो जो मैं सोचती हूँ तो आज शाम को ठीक 5 बजे अपनी खिड़की में आना. लव रोहिणी. माई डियरेस्ट डोना, गलती क्या होती है? अरे होती क्या है गलती? दरअसल गलती कुछ होती ही नहीं है. और मजे की बात तो यह है कि गलती सबसे होती है. और अगर किसी से गलती ना हो तो वो खुद एक गलती है, क्योंकि किसी ने गलती से बहुत सही कहा है. टू अर्न इज ह्यूमन. शी इज लॉस्ट इट. और हम ह्यूमंस की सबसे बड़ी गलती तो ये है कि हम गलती को गलती समझकर एक दूसरे के साथ गलती से बहुत गलत कर बैठते हैं. यू नो व्हाट आई एम सेइंग राइट? No clue whatsoever. लगता है ये लेटर डाल के बहुत बड़ी गलती करती है. मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि उस दिन हम दोनों के बीच जो भी हुआ वो एक गलती थी. लेकिन हम गलत नहीं थे. नहीं नहीं वो नहीं बोल रही हूँ. हम गलत नहीं थे लेकिन जो हुआ वो हम दोनों ने एक दूसरे को गलत समझा, इसलिए उसकी वजह से वो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स. रात गई बात गई. अगर तुम भी वही सोचती हो जो मैं सोचती हूँ तो आज शाम ठीक 5 बजे अपनी खिड़की में आना. लव रोहिणी. खड़ूस. आई शुड हैव नोन या. एंड नाउ शी हैज एन अपर हैंड ऑन मी. खड़ूस ने लेटर दीवास ऑफ पैराडाइज हाउसिंग सोसाइटी के ग्रुप पे डाल दिया. तो मैंने तो सबको कहा था कि गलती उसकी थी. मैंने लेटर लिख के बहुत बड़ी गलती कर दी. अननेसेसरीली मैं छोटी हो गई. वेट अ मिनट, छोटी कैसे? मैं तो बड़ी बन गई. आई एम द बिगर पर्सन. एटलीस्ट आई ट्राइड. कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. जो होता है अच्छे के लिए होता है. 100 सुनार की 1 लोहार की. लेकिन इस केस में सुनार कौन है और लोहार कौन है? कौन है? डियरेस्ट रोहिणी, Thank you for the crepe bandage. Made your favorite cold coffee waiting for you. Come to your balcony. Hi. Hi. How are you? I'm good. How are you? Thank you for the coffee. You like it? Oh, I love it. मैं इतना miss कर रही थी, पता है? I put extra chocolate for you. लॉकडाउन में सब कुछ बुरा नहीं हो रहा. कुछ चीजें हैं जो अच्छी भी हो रही हैं. डोना के पैर की मोच फॉर एग्जांपल. आई मीन मोच अच्छी नहीं थी बट एटलीस्ट मुझे इस बहाने आइस ब्रेक करने का मौका मिल गया. एक छोटी सी बात जो इतनी लंबी खिंच गई थी वो खत्म हो गई. आपकी लाइफ में भी अगर कोई ऐसी छोटी सी बात है या बड़ी सी बात है जो बहुत लंबी खिंच गई है, मे बी विद अ नेबर, फ्रेंड, फैमिली मेंबर, रिलेटिव, कजन, कलीग, तो यही अच्छा मौका है उसे खत्म कर दीजिए. लॉकडाउन का फायदा उठाइए और रिश्तों पे पड़े लॉकडाउन को तोड़ डालिए. स्टार्ट अफ्रेश लाइक मी. डोना, चीयर्स. हाय.
Hi guys. I hope कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा. हमने ये एपिसोड शूट किया है अपनी नेक्स्ट डोर नेबर कस्तूरी के साथ. जी हाँ, क्योंकि जो पिछला वीडियो हमने किया उसके बाद आप लोग ने इतने कमेंट्स लिखे कि अरे बहुत अच्छा लगा आपने लॉकडाउन में वीडियो किया, वी थॉट वी शुड डू वन मोर. एंड दिस आइडिया केम टू आवर माइंड्स कि हाँ एक ऐसा कुछ करते हैं जहाँ पर यू नो वी कैन ब्रेक द लॉकडाउन इन रिलेशनशिप्स. And who better than next door neighbor to do this with? Yeah, we are so blessed. We have an actor living next door. But guys, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो please इसे like कीजिए, share कीजिए, and please don't forget to subscribe to Shitty Ideas Trending. यार हमारे बोलने से आप लोग नहीं करते हो, शायद बच्चे की बात आप मान लो. अरिसा एक बार बोलो सबको subscribe करने के लिए. Please subscribe to Shitty Ideas Trending. Oh, now you have to subscribe, oh, guys. Ariza has been such a good assistant and she's been helping us in the shoots. Thanks to her, we've been able to bring these videos to you. And this is the entire crew of SIT that you're looking at right now for the moment. So guys, this is us signing out. Love and peace from us to you. Thank you.